क्योंकि आज नवमी है तो हम लोग सारा एक्सप्लोर कर रहे होंगे, मतलब अद्भुत चमत्कार हमारे सामने हुआ। अब नाश्ता हल्का फुल्का, तो हमारी पहली लोकेशन है, सेकंड लोकेशन है हमारी, फोर्थ लोकेशन हमारी, फिफ्थ लोकेशन तो हमारी, जो छठवीं लोकेशन हमारी, सेवंथ लोकेशन, आठवीं लोकेशन, दसवीं लोकेशन है। तो राम राम दोस्तों, आज का डे है मंडे और साथ ही साथ पावन दिन यानी नवमी। तो आज का ब्लॉग जो होगा जनरल ब्लॉग होगा, एंड क्योंकि आज नवमी है तो हम लोग सारा एक्सप्लोर कर रहे होंगे, मतलब सारे जितने भी दुर्गा माता बैठी है तुमका में वो सारे। अभी तो मैं फिलहाल दीदी के साथ जा रहा हूँ शिव मंदिर, थोड़ी पूजा कर लेते हैं, देन हमारा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हमारे शिव जी के मंदिर में जो हसारा रोड पे स्थापित है। तो फाइनली हमारी शिव जी की पूजा हो चुकी है, अब चलते सीधा घर और देखते हैं कि किसके साथ हम अभी जाएंगे दुर्गा जी देखने। फ्रेंड्स आ रहे होंगे उनके साथ जाएंगे, दीदी आ रही होगी उनके साथ जाएंगे, तो अभी इट नॉट डिसाइडेड, तो अब चलते सीधा घर। तो अभी एक अद्भुत चमत्कार हमारे सामने हुआ कि जस्ट मम्मी ने फ्रिज से निकाला और जो ये शेप देख रहे हैं ना, शिव जी के पिंडी जैसा, मतलब सिमिलर लुक है। तो वैसे तो मम्मी ने बोला है कि मतलब उन्होंने जब देख के लिया था तो ऐसा सब नहीं था, पता नहीं कैसे क्या हुआ। मम्मी क्या विचार है आपके? क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला, चल। तो अभी 6:14 हो रहे हैं और सीन क्या है ना, अभी फिलहाल मैं मोबाइल को रख देता हूँ रेस्ट पोजीशन में, मतलब कि चार्जिंग होने देते हैं, उसके बाद मैं दोस्त को कॉल करते हैं, उतने में टाइम मैनेज हो जाएगा फिर चलते हैं। तो मैं अभी करता हूँ धनंजय को कॉल, अगर वो फ्री होगा तो मैं उसे ज्वाइन करने बोलता हूँ। हाँ मैं क्या बोला, आगे के तू? हाँ मैं क्या बोला, अपन दुर्गा जी देखने चल जाएंगे एंड सारा नहीं एक प्रॉपर ब्लॉग मतलब कवर होता है तो नहीं क्या कर लेंगे बोलो। 7:30। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। फाइनली हम लोग असेंबल हो चुके हैं, शुभलक है, दीदी या आर्या है, और जो पीछे है वो धनंजय वहाँ से ले रहा, तो खाते हैं एंड देन बढ़ते। तो सबका हो गया अब नाश्ता हल्का फुल्का, तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन की ओर। तो हमारी पहली लोकेशन है संताजी सभागृह के बाजू में, जिसको कि झूले वाली देवी बोलते हैं, तो हम जाते हैं। ठीक है, चल। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसको स्पेशली झूले वाली देवी के नाम से जाना जाता है, मतलब काफी अच्छा डेकोरेशन करता है, आपने अभी तक देख लिया होगा, और एकदम भारी मात्रा में आज गर्दी भी है। जस्ट लक्की है, इसका भी डेकोरेशन काफी अच्छा है, हम अपने आप में यूनिक है। सीन क्या है ना, आज का दिन है नवमी, तो जो लोग नहीं भी आते ना, मतलब बाकी दिन देखने, वो लोग आज के दिन एज अ फाइनल डे कंसीडर करके सभी लोग देखने आते, सभी लोग घर के बाहर निकलते। तो वैसे तो हमें खाली स्पेस कुछ मिल नहीं रही ब्लॉग करने या फिर कुछ अच्छा सिनेमैटिक्स दिखाने के लिए, बट जो भी हो रहा है काफी मजा आ रहा है एंड सारे पब्लिक के बीच में हो रहा है, तो अच्छा है। लोकेशन है हमारी तीसरे नंबर की, जो है माकड़े नगर का, तो इनका भी डेकोरेशन काफी अच्छा है, केव्स जैसा कुछ बनाया है, तो अंदर जाके एक्सप्लोर करना है। तो एंटर करते हैं केव्स। Thank you.
तो हमारी जो फोर्थ लोकेशन है वो है सब्जी मंडी नियर हटवारी। तो हमारी फिफ्थ लोकेशन है हनुमान ताल के जस्ट साइड में ही लगती है। एंड खास बात है इस मतलब मंडल की कि ये 85 सालों से बैठते आ रही है, मतलब और इनका जो मैनेजमेंट है मतलब उन्होंने लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारी जो छठवीं लोकेशन है वो ढंगारे स्कूल की देवी। सेवंथ लोकेशन जो है शिव मंदिर रोड पे ही ये स्थित है एक्चुअली। तो हमारी जो आठवीं लोकेशन है वो बावलीवीर जो कि एग्जैक्ट सेंटर में सिचुएटेड है सर के। तो हमारी जो नाइन्थ लोकेशन है वो है साई मंदिर थापाडोली रोड। दसवीं लोकेशन है एग्जैक्ट न्यू बस स्टॉप। तो राम राम दोस्तों, आज का डे है 24th एंड आज है दशहरा। तो अभी सुबह के काम जो हमें करना है वो है गाड़ी धोना है एंड पूजा करना है, तो चलते हैं। हमेशा जो मैं कॉमन गलती करता हूँ कि जो मेरा ट्राइपॉड है वो रूम पे ही रख के आ जाता हूँ, मतलब नागपुर में मम्मी का सपोर्ट लेना पड़ता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के मोबाइल को स्टेबल करना पड़ता। तो हमारा जो गाड़ी धोने का काम हो गया वो पूरी तरह से कंप्लीट, अब नेक्स्ट काम की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा सेकंड काम यानी विजयादशमी को एक्सपीरियंस करने चलते हैं ग्राउंड पे। हमेशा नेहरू ग्राउंड पे ही भरता है। ग्राउंड पे जाते ही भारी संख्या में लोग प्रेजेंट थे। हम अपने दोस्तों के साथ बातों में इतना व्यस्त हो गई कि हमें अंदाजा ही नहीं रहा कि राउंड कब जला। अब इसी माहौल को और एंजॉय करने हम थोड़ा ग्राउंड का राउंड मारने का सोचा। ऑन द वे जितने भी पकवान थे आंखों के सामने हमने टेस्ट करना जरूरी समझा, जिसका श्री गणेश हमने देसी भजियों के साथ किया, फिर थोड़ा पोहा खाया विदाउट तरी, फिर गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा, फिर पास्ता जो कि पूरे दशहरे में मुझे तो यूनिक लगा, फिर खाए भेल जिसने कि हमें पूरी तरह से उदास किया, फिर मुँह मिटा करने हम खाए जलेबी, और इसी के साथ हमने ग्राउंड को बोल दिया बाय बाय।